हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेट्रो द इमॉर्टल एम्बर करके एपिसोड नंबर 37 के साथ हाजिर हूं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बंदा उसकी तरफ आ रहा होता है और बोल रहा होता है, मैंने ऐसे इन कचड़ों को कभी भी पसंद नहीं किया था, लेकिन इन रूल्स के कारण मैंने इन्हें मिटाने की हिम्मत नहीं की थी। और उनसे दूसरा बच्चा बोल रहा है, अगर ये कचड़े यहाँ पर नहीं होते तो हमें इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए और ज्यादा फायदा होता, हमें और ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जा सकते थे। तभी हमें दिखाया जाता है वांग केन को। तभी वांग केन उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ये करोगे तो तुम क्या यहाँ के चैंपियन बन जाओगे, मुझे तुम्हें बताने दो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा टेंट से निकल रहा होता है वो, और उससे बोलता है, हे ब्रो क्या तुम कुरियन हो, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुमने सभी स्टूडेंट को अकेले ही हरा दिया बिना किसी परेशानी के, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मैं काफी समय से इन जैसे लोगों को देख रहा था, ये मरने के ही काबिल है सच में, खासकर वह कुत्ते जो बेवकूफ होते हैं, अगर मैं होता तो मैं शायद एक एक में ही मारा जाता। तभी जो वांग कैन है वो चिल्लाते उससे बोलता है, सुतुतु आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी जो सुतुतु है वो वांग कैन से मतलब बोलता है, मेरे कहने का मतलब सीधी सी बात है कि तुम्हें इनडायरेक्टली बेवकूफ कहना यही मेरा मतलब है, इस तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कुरियन ब्रो, यहाँ ग्रीनिश क्लास के रूल्स के मुताबिक ये है कि तुम सिर्फ सेम रैंक के स्टूडेंट को चैलेंज कर सकते हो, उससे ज्यादा लो लेवल के स्टूडेंट को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन वांग कैन सिर्फ इंडिपेंडेंट ग्रेड के पीपल को चैलेंज कर सकता है। अगर हम इसको बेवकूफ कहते हैं और इसे गालियां देते हैं तो भी ये हमें चैलेंज कर नहीं सकता। और कहता है, क्योंकि यार मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो तो मैं अभी इसको साबित करके दिखाता हूँ तुम्हें। तभी जो सुतुतु है वांग कैंग से चिल्लाते हुए बोलता है, वांग कैंग तुम जैसे कितने बेवकूफ सुगर लोग इस जीनियस क्लास के लिए काबिल नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी कल्टीवेशन को मिटाकर यहाँ से भाग जाता अपने वहां के पास दूध पीने के लिए। जो सुनकर वांग कैंग को गुस्सा तो आ रहा होता लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा होता। तभी जो स्टूडेंट है बाकी के स्टूडेंट बातें करने लगते हैं उसके बारे में, आखिर इसने पिछले जन्म में सुतुतु के साथ ऐसा क्या मैटर कर लिया था जो इसे अब भुगतना पड़ रहा है। हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सुतुतु अकेला इस टेंट में रहता है, भले ही तीन लोग मिलकर इनके इसके ग्रेड के आ जाए लेकिन वो इसे नहीं मार सकते, ये तो बिल्कुल एक डॉग प्लास्टर जैसा है जो बिल्कुल अलग ही है। तभी सुतुतु कुंगयान से कहता है, क्या तुमने अब मेरा विश्वास किया ब्रो, अकेला सिर्फ वांग कैंग ही नहीं कर सकता बल्कि मैं कोई भी इंडिपेंडेंट ग्रेड का बंदा है उसकी हिम्मत नहीं हो सकती गुस्सा करने की जब वो मेरे से पंगा लेंगे। तभी जो वांग कैंग है उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि तुम इस जीनियस क्लास में हो, एक बार जब तुम बाहर निकल जाओगे इस जीनियस क्लास से तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा कि इस दुनिया में तुम पैदा ही क्यों हुए। तभी जो सुतुतु है वो वांग कैंग से कहता है, अभी मैंने तुमसे कहा कि तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, मतलब बहुत ज्यादा चरे वाले हो, और तुम अभी भी यहाँ पर खड़े होकर सांसें ले रहे हो, आखिरकार कौन नहीं कह सकता तुमसे ऐसी बकवास, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूँ बाहर जाकर अगर तुम मुझे बाहर मिले तो। तभी जो सुतुतु उससे कहता है, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है, ये थप्पड़ मारना तो ये काफी ज्यादा सस्ता होगा, ये तो बेवकूफ़ जैसा आइडिया है, कम से कम मैं तुम्हें तीन थप्पड़ तो मारूंगा और तुम्हें कुछ किक मारूंगा बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी। तभी जो वांग कैंग वो सुतुतु से बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता। तभी वो सीधा आकर कुंगयान के पीछे खड़ा हो जाता है और ये देखकर सरप्राइज हो जाता है सुतुतु। तभी ये वांग कैंग है वो कुंगयान की तरफ हाथ रखते हुए बोलता है, कंधे पर, हे कुंगयान तुमने इस एकेडमी के जीनियस क्लास के रूल को तोड़ा है, यहाँ के जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स है वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे इस मैटर को हैंडल करने के लिए, अगर तुम मेरे साथ एग्री हो जाओ एक काम करने के लिए तो मैं वांग कैंग इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम बिल्कुल सेफ रहोगे, और कंडीशन ये है कि तुम्हें इस सुतुतु को मारना होगा। तभी सुतुतु घबरा जाता है और बोलता, तुम कमीने कहीं के। तभी जो कुंगयान उससे हाँ छुड़ाते हुए बोलता, छह तुम कमीने बेवकूफ। तभी जो कुंगयान है उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा के उससे बोलता है, देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि सुतुतु बिल्कुल सही है और तुम बस एक बेवकूफ हो और कुछ भी नहीं, तुम जैसे बेवकूफ को तो अपना कल्टीवेशन खुद से ही मिटा देना चाहिए और घर पर चले जाना चाहिए अपनी मम्मी के पास मिल्क दूध पीने के लिए। तभी जो सुतुतु है वो कुंगयान से कहता है, हे कुंगयान ब्रो हम वाकई में सोलमेट्स हैं, सही कहा ना, अगर मैं इसकी मॉम के लिए काफी सालों से चिंता कर रहा होता और उन्हें पता होता कि इस बेवकूफ जैसे किसी को जन्म देंगी तो वो काफी ज्यादा उदास होती। ये सुनकर जो वांग कैंग है वो ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन
वो दोनों आपस में बातें करते हुए हंस रहे होते हैं। तभी रामकेन को पीछे से कुछ आवाज आने लगती है। तभी हमें दिखा जाता है कोई पीछे से आ रही होती, एक लड़की आ रही होती है। तभी जो वहां के वो कहता है अब लगता है वाइस डीन यहाँ पर आ रही है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, कुछ ज्यादा ही नहीं दिखा दिया। तभी जो वांगकेन है वो मन में मतलब बोलता है अब जबकि वाइस डीन खुद यहाँ पर इस मैटर को सॉल्व करने के लिए आ रही है तो कुंगयान को अब मर जाना चाहिए। और वो वाइस डीन सीधा आकर कुंगयान के पास खड़ी हो जाती है। तभी जो वाइस डीन होते हैं कुंगयान से कहती है क्या तुम ही कुंगयान हो? तभी कहता है हाँ मैं हूँ। तुम वाइकिंग तभी जो वाइस डीन होते हैं कुंगयान से कहती है तुम वाकई में बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो। तभी जो ये देखकर जो बंद स्टूडेंट है वो ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं वाइस डीन के कैरेक्टर के मुकाबले जिनका नाम लियो हान है क्या इन्हें अभी तक कुंगयान को दबा कर नहीं रख देना चाहिए था? और जो वाइस डीन लियो हान है वो यहाँ पर काफी सालों से इस जेल की इंचार्ज है, इनका तो जो गुस्सा है बहुत ज्यादा और भी ज्यादा भड़क मतलब तबाही मचानेदार होना चाहिए था, लेकिन मेल टीचर के मुकाबले में ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही है और बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। लेकिन जो भी रूल्स को तोड़ता है ये उस मैटर को हैंडल करती है, लेकिन इस समय देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। तभी जो वांग कैन है वो वाइस डीन से कहता है वाइस डीन कुंगयान ने यहाँ के रूल तोड़े हैं तो मैं इन्हें सबक सिखाना चाहिए, क्या तुम इन्हें अरेस्ट नहीं करोगी? तभी जो वाइस डीन है वो उससे कहती है क्या तुम मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश कर रहे हो? तभी जो वाइस डीन है वो वांग कैन को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, और तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ जाकर अपना काम करो। और तभी वाइस डीन उससे बोलती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं नए रूल्स को अनाउंस कर सकूँ जिन्हें डीन के द्वारा सेट किया गया है। और तभी वो डीन अनाउंस कर देते है कि आज से और अभी से ये अनाउंस किया जाता है कि जो जीनियस क्लास है फाइट कर सकती है बिल्कुल डेथ तक मारन तक आपस में फाइट कर सकती है, जो भी मैटर है दोनों साइड में वो खुद के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे आपसे और जो रिजल्ट होगा वो जिंदगी और मौत का रिजल्ट होगा। तभी जो वाइस डीन है वो कुंगयान की तरफ उंगली करते हुए बोलती है और तो और कुंगयान भी सेकंड लेवल पर है मून रियलमी के जो कि सेकंड क्लास का जीनियस है। लैंग जुन हु दे शेंग और बाकी सब के सभी 3 सालों से गलत इंफॉर्मेशन के साथ थे कुंगयान की। तभी जो स्टूडेंट है ये सुनकर बहुत सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं इसलिए कुंगयान इतनी आसानी से इन सभी को हराने में कामयाब हो गया था जो भी उस ट्री के अंडर में अपना कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी जो वांगकेन है वो उसके पास आता और बोलता है वाइस डीन मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो मैटर है दो साइड का वो अब से खुद के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, जिंदगी और मौत का भी मैटर हो सकता है, तो मैं क्या सुतुतु को चैलेंज कर सकता हूँ अभी? तभी जो सुतुतु है वो वांगकेन से कहता है तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे जैसे स्टूडेंट को चैलेंज करने की? अगर तुम में इतनी ज्यादा हिम्मत है तो 3 साल तक का इंतजार करो, उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा, बहुत ज्यादा पीटूंगा जब तक तुम और तुम्हें इतना ज्यादा पीटूंगा कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपना सरनेम बदल दूंगा तुम्हारे नेम के साथ। तभी जो वांगकेन है वो वाइस डीन से कहती है मतलब कहता है कि वाइस डीन मुझे परमिशन दीजिए अप्रूव कीजिए इससे फाइट करने के लिए। तभी जो वाइस डीन है वो वांगकेन से कहती है ये बिल्कुल सही है कि कोई भी मैटर खुद के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन लाइफ और डेथ का मैटर है इस स्ट्रगल के लिए तुम्हें एक वॉलंटियर पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। अगर तुम सुतुतु को चैलेंज करना चाहते हो तो तुम उससे पहले उसे भी तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए एग्री होना चाहिए सबसे पहले। तभी जो सुतुतु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वाइस डीन वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, दोनों के बीच में मुकाबला करना एक जैसा होना चाहिए, कोई भी जबरदस्ती नहीं कह सकता इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 3 साल का और इंतजार करना होगा मुझे चैलेंज करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 39 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।